हेलो फ्रेंड्स आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पर जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स हमारी एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की डेली टू तो डेली वीडियो आती रहती हैं साढ़े ग्यारह बजे और बारह बजे तो उसी सीरीज में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज जिसका नाम है बायोलॉजी का चैप्टर है एग्रीकल्चर बायोलॉजी लेसन नंबर ट्वेल्थ चैप्टर का नाम है हनी बी एपीकल्चर एंड इम्पॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन एवं इसका कृषि में महत्व तो आज ये एक सिंगल वीडियो होने वाली है इस सिंगल वीडियो के अंदर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और ना केवल कंप्लीट होगा बल्कि आपको ये अभी के अभी याद हो जाएगा तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उसका फ़ायदा ये होगा आपको एक ही चैनल पर एग्रीकल्चर वीडियो और एग्रीकल्चर बायोलॉजी जो है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर बायोलॉजी दोनों सब्जेक्ट की वीडियो इसी चैनल पर मिलती रहेगी मैंने एग्रीकल्चर बायोलॉजी के तीन से चार चैप्टर करवा कर दिए हैं और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के आपके दो लेसन हो चुके हैं तीसरा लेसन आप चल रहा है तो अगर आपने वो चैनल चे, चैप्टर देखना चाहते हैं अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जाके यूट्यूब की प्ले में देख सकते हैं तो बिना किसी देरी के आज हम शुरू करते हैं हमारा लेसन नंबर ट्वेल्थ तो देखिए हम मैं आपको बता देता हूँ इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में हम दो तीन चीज़ें पढ़ेंगे मतलब दो ही चीज़ पढ़ेंगे एक तो मधुमक्खी क्या होती है मधुमक्खी क्या होती है मधुमक्खी पालन किसे कहते हैं और मधुमक्खियों के प्रकार जो होते हैं मधुमक्खियों की जातियों के बारे में पढ़ेंगे ठीक है ना इसके अलावा दूसरा हम जो सबसे मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मधुमक्खियों का कृषि में क्या उपयोग होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं ठीक है तो बिना किसी देरी के हम हमारा चैप्टर शुरू करते हैं देखिए क्या लिखा है मधुमक्खी एक सम एक कीट वर्ग का क्या है अभी प्राणी आपको पता है अभी आप जानते हैं कि मधुमक्खी क्या है एक कीट है मधुमक्खी क्या है एक कीट कीट कौन से जगत में आते हैं अभी कीट आते हैं जंतु जगत के अंदर ठीक है जगत पांच होते हैं मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी और एनिमेलिया तो जो मधुमक्खी है वो एनिमेलिया या जंतु जगत के अंदर आती है अब जंतु जगत के अंदर कौन से संघ में आएगी आर्थोपोडा संघ में आती है ठीक है ना क्योंकि मधुमक्खी में संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं ठीक है थीके? इसके अलावा ये कीट है तो सारे के जो सारे कीट होते हैं वो आर्थोपोडा संघ के कौन से वर्ग में रखे गए हैं इंसेक्टा वर्ग में रखे गए हैं तो याद रखिए इसका मधुमक्खी का वर्ग कौन सा होता है मधुमक्खी का वर्ग है इंसेक्टा मैं शुरू से लिखता हूँ एक सेकंड जगत क्या है इसका जंतु जगत क्या है जंतु संघ के बारे में बात करें तो संघ है आर्थोपोडा क्या है आर्थोपोडा ठीक है अगर हम बात करें किसके वर्ग के बारे में तो वर्ग होता है इसका इंसेक्टा क्या होता है इंसेक्टा तो ये क्या है एक वही बात बोल रखी है कि ये एक कीट वर्ग कीट वर्ग का कीट मतलब इंसेक्टा वर्ग में आता है भाई किस वर्ग में आता है इंसेक्टा वर्ग में आता है ठीक है जो स्वयं के बनाए वह मोम के छत्ते में संग बना कर रहता है आपको पता भी है अभी मोम जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो छत्ते के अंदर रहती हैं और उस छत्ते का निर्माण जो मधुमक्खियाँ होती हैं खुद करती हैं और वो भी मोम के द्वारा करती हैं ठीक है ठीके? तो ये स्वयं के बनाए हुए मोम के छत्तों में संग मतलब समूह बना कर रहता है आपको पता है मक्खियाँ कभी अकेली नहीं रहती अब देखो इनका जो छत्ता होता है इनका जो संग होता है उसमें अलग अलग प्रकार की मधुमक्खियों की जातियाँ होती हैं जैसे तीन प्रकार की जातियाँ मिलेंगी आपको मधुमक्खी की एक तो होती है रानी और एक होती है राजा और एक होते हैं शर्मिक राजा को आप नर या ड्रोन भी बोल सकते हैं ठीक है तो एक छत्ते में तीन प्रकार की मधुमक्खियाँ या तीन प्रकार की मधुमक्खियों की जातियाँ देखने को मिलती हैं रानी नर और श्रमिक तो देखना जिसमें एक रानी कई सौ नर तथा हजारों की संख्या में श्रमिक होते हैं ठीक है ये मैं आपको बता देता हूँ एक छत्ते में याद रखिएगा एक छत्ते में क्या होता है एक ही रानी होती है बीस से लेकर कर दो सौ तक नर हो सकते हैं और हजारों की संख्या में क्या होते हैं श्रमिक होते हैं तो याद रखें एक छत्ते में इनकी संख्या कितनी हो सकती है तो लगभग बीस से पचास हज़ार तक हो सकती है अब बीस हज़ार बीस हज़ार से पचास हज़ार मधुमक्खियाँ हो सकती है एक छत्ते में उस बीस से पचास हज़ार में एक होगी रानी दो सौ मान लीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा नर होंगे बाकी सारे जितने हैं श्रमिक होंगे ठीक है छत्ते से शहद प्राप्त होता है जो बहुत पौष्टिक होता है आपको पता है छत्ते से शहद प्राप्त होता है मधुमक्खियों का पालन हम पढ़ेंगे मधुमक्खी पालन की क्या उपयोगिता है मतलब मधुमक्खी पालन क्यों किया जाता है तो सबसे पहला कारण तो यही है कि मधुमक्खियों का पालन क्यों किया जाता है शहद प्राप्ति के लिए इसके अलावा मधुमक्खियों से जहर भी प्राप्त होता है जिसे बी वैनम बोलते हैं बहुत महंगा होता है बच्चों जो बी वैनम होता है वो बहुत महंगा होता है इसके अलावा मोम की प्राप्ति के लिए भी मधुमक्खियों का पालन किया जाता है बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं ठीक है तो सारों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे तो उम्मीद है आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी अब अपने आगे देखते हैं अब देखिए क्या लिखा है कि देखिए वैसे तो मोम जो मधुमक्खियाँ हैं उसकी हजारों पर जाती हैं मधुमक्खी जो है उसकी हजारों पर जाती हैं पर भारत में मुख्यतः पांच प्रजातियां है। मिलती हैं भारत में कितनी प्रजातियां है? मिलती हैं मुख्यतः है पांच प्रजातियां है मिलती हैं जैसे पहली देर के सारंग मधुमक्खी सारंग मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है एपिस डोरसाटा याद रखनी है भी आपको क्वेश्चन आ सकता है आपके इससे कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो सारंग मक्खी है सारंग मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है एपिस डोरसाटा दूसरा भावर मक्खी इसको भारतीय मक्खी भी बोलते हैं इसको क्या बोला जाता है भारतीय मक्खी और इसका वैज्ञानिक नाम है एपिस इंडिका ठीक है छोटी मक्खी जो होती है इसको बोला जाता है एपिस फ्लोरिया जो आपकी डम्पर मधुमक्खी है वो क्या होता है एपिस मैलीफोना और जो यूरोपियन मधुमक्खी होती है वो आप होती है एपिस मेलीफेरा ठीक है तो एपिस डोरसाटा एपिस इंडिका एपिस फ्लोरिया एपिस मैलीफोना और एपिस मेलीफेरा ये आपको नाम याद रखनी है हिंदी में आपको ये इंग्लिश में नाम याद रखना है भाई क्योंकि वैज्ञानिक नाम ये है इनके ठीक है सारंग मक्खी का होता है एपिस डोरसटा भवर मक्खी का क्या होता है एपिस इंडिका छोटी मक्खी का फ्लोरिया और यूरोपियन का होता है मेलीफेरा और डम्पर का होता है मैली फोना ठीक है अब देखिए मैं आपको इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ इन पाँच ये पाँच जो मधुमक्खी की प्रजाती याद रखना है देखना कि ये आपकी जो डंपर है और ये जो छोटी मधुमक्खी है इनको कृत्रिम रूप से नहीं पालते भाई आपसे क्वेश्चन पूछ लग पूछ सकते हैं कि किन मधुमक्खियों को काम कृत्रिम मधुमक्खी पालन नहीं किया जाता तो इनका कृत्रिम पालन नहीं करते भी इनका कृत्रिम पालन नहीं करते ठीक है इनका कृत्रिम पालन नहीं किया जाता तो अब कारण होगा भी कृत्रिम इनका पालन क्यों नहीं किया जाता तो दो इनके बड़े क्या है इंपॉर्टेंट कारण है कि इनका कृत्रिम मधुमक्खी पालन नहीं किया जाता तो देखिए एपिस जो मतलब फ्लोरिया होती है और एपिस मोलाफोना होती है मतलब छोटी मक्खी और डम्पर मक्खी होती है इनसे शहद ये कम शहद बनाती है ये क्या करती है कम शहद बनाती है ठीक है पहला कारण तो क्या है ये कम शहद बनाती है हम कौन सी मधुमक्खियों का कृत्रिम मधुमक्खी पालन करेंगे भाई बताओ जो हमें ज्यादा से ज्यादा शहद दे और उस ज्यादा से ज्यादा शहद को हम बेच सकें और उससे हम क्या कर सकें आर्थिक लाभ कमा सकें तो ये शहद कम देती है एक इसी वजह से एक तो इनका मधुमक्खी पालन नहीं करता दूसरा जो कारण है ये बड़ी गुस्सैल स्वभाव की होती है ये ज्यादा गुस्सैल स्वभाव की होती है इसी वजह से इनका कृत्रिम मधुमक्खी पालन नहीं किया जाता ठीक है अब अब देखिए जो सारंग मधुमक्खी होती है इसका भी कृत्रिम मधुमक्खी पालन नहीं करते सारंग मक्खी का विके त्री मधुमक्खी पालन नहीं किया जाता इसका कारण क्या मैं आपको ये देता हूँ ध्यान से सुनेगा ये होती है देशांतर स्वभाव की ये क्या होती है देशांतर स्वभाव अब देशांतर स्वभाव का मतलब क्या होता है भाई माइग्रेटरी स्वभाव की होती है मतलब ये ज्यादा दिन एक जगह पर टिकती नहीं है भाई ये एक मान लीजिए आज ये यह यहाँ है ये कल यहाँ हो जाएगी अगले दिन ये यहाँ चली, चली जाती है अगले दिन ये यहाँ चली जाएगी अगले मतलब ये एक जगह ज़्यादा टिकती नहीं है देशांतर स्वभाव की होती है घूमती रहती है लगातार ठीक है तो हम ऐसी मक्खी क्यों पालेंगे बताओ भाई जो देशांतर स्वभाव की है सुन में आ रही है मेरी बात अगर मान लीजिए हमने इसको पाल लिया चार दिन बाद ये उड़ गई तो हमारा सो तो शहद गया भाई ना हमारे को आर्थिक नुकसान हो जाएगा तो इसी वजह से हम इसको नहीं पालते पीछे बच 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 दो दो एक तो एक तो भवर गई गई और यूरोपियन इन मधुमक्खियों का कृत्रिम मधुमक्खी पालन किया जाता है याद रखना कि किन का कृत्रिम मधुमक्खी पालन करते हैं तो यूरोपियन और भवर भवरमक्खी ठीक है ये कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये जेट में भी पूछे जा सकते हैं आपके और क्या बोलते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं हैं। तो है तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी यही बात बच्चों यहाँ लिखी हुई है देखिए यही बात यहाँ लिखी हुई है चाहे तो आप ये पढ़ सकते हैं ये बात मैंने सारी की सारी ये। मतलब ये यहीं लिखी है अब हम बात करते हैं देखिए अब क्या कर रखा है आपका देखिएगा अब एक छत्ते में मतलब कि जो छत्ते में क्या होती है देखना एक छत्ते के अंदर मैंने आपको बताया था तीन प्रकार की मधुमक्खियों की जातियां मिलती हैं एक छत्ते में मधुमक्खियों की तीन प्रकार की जातियां मिलती हैं एक तो रानी मिलती है एक मिलती है नर और एक क्या मिलती है श्रमिक मिलती है ठीक है रानी होती है नर होती है और श्रमिक होती है अब देखिए आपको लक्षण बता रखे हैं कि रानी के लक्षण क्या होते हैं और नर के लक्षण क्या होते हैं और श्रमिक के लक्षण क्या होते हैं तो इनके बारे में पढ़ते हैं तो देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ तो भाई देखिए पहला लक्षण तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि जो रानी होती है वो छत्ते की मुखिया होती है भाई मतलब छत्ते पर इसकी हुकूमत चलती है रानी जो होती है वो छत्ते की क्या होती है मुखिया मतलब ऑर्डर चलेगा भाई इसका छत्ते पर तो छत्ते की प्रमुख मुखिया रानी होती है ठीक है ना ये रानी क्या करती है एक विशेष एक सेकेंड ये रानी क्या करती है एक विशेष गंधयुक्त मतलब एक विशेष पदार्थ का क्या रखती है।, इसका जीवन काल कितना होता है दो से पांच वर्ष तक ये जीवित रहती है अभी ठीक है अब देखिए मैं आपको बता देता हूं इसका जन्म निश्चित अंडे से लार्वा अवस्था में श्रमिकों द्वारा निरंतर रॉयल जेली खिलाए जाने से होता है अभी मैं हूं, आपको देखो, मैं आपको आपको देखो तीनों का ठीक है ये ये ऊपर वाली चीजें तो तो आपको 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 में आ गई होंगी अब मैं मैं बताता हूं कि रानी मक्खी बनते कैसे तो देखो मैं आपको सारों का देखिए देखिए नर जो होते हैं, क्या होते है? नर होते है, नर बनते हैं अनिषेचित अंडों से मतलब ऐसा मतलब क्या होता है ऐसा अंडाणु जिससे क्या हो भाई शुक्राणु जाकर ना मिला हो ठीक है उसे बोलते हैं अनिशेचित अंडा तो इसमें क्या होता है जो मादा युग्मक होता है मादा युग्मक होता है मादा युग्मक मक्खियों में क्या होता है अंडाणु वो अंडाणु क्या करता है सीधा ही आगे युग्मक बना लेगा और उससे आगे चल के किसका विकास हो जाता है नर का विकास हो जाता है तो नर का विकास होता है अनिशेचित अंडे से नर का विकास किससे होता है अनिशेचित अंडों से याद रखना जबकि रानी जो होती है जबकि क्या होती है रानी रानी और जो श्रमिक होते हैं रानी और जो श्रमिक होते हैं इनका विकास किससे होता है निषेचित अंडों से किससे होता है निषेचित अंडों से निषेचित अंडों से अब देखिए निशेच क्या होगा रानी और श्रमिक का मतलब निर्माण किससे होता है निशेचित अंडों से. अंडो से. अंडो से. हो नि, मतलब अंडो से होता है अब आपको पता है अभी कि जो कीड़े होते हैं उनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है कीड़े जो होते हैं या जो कीट होते हैं कीटों के अंदर लार्वा अवस्था पाई जाती है अभी मधुमक्खी के अंदर पूर्ण कायंत्रण होता है आपको आप कांत्रण तो जानते होंगे भी मतलब जो क्या होता है मैं आपको बता देता हूं मतलब ये जो होता है आपका मधुमक्खी होती है इसके अंदर लार्वा अवस्था पाई जाती है तो देखिएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं अब निषेचित अंडों से क्या बनेंगे लार्वा निषेचित अंडों से क्या बनेंगे आगे चलकर लार्वा अब जिस लार्वा को खाने को ज्यादा रॉयल जेली मिलेगी रॉयल जेली एक विशेष पदार्थ होता है जो मधुमक्खियां खाती हैं अब जिस निशेचित अंडे से बने लार्वा अब निशेचित अंडे से क्या बनेंगे लारवा अब देखिए अगर तो लार्वा को ज्यादा रॉयल जेली मिल रही है तो वो लारवा किस में बदल जाएगा रानी, रानी में अगर उस क्या होता है लार्वा को कम रॉयल जेली मिल रही है या कम भोजन मिल रहा है

इसका जन्म जो होता है निषेचित अंडों से जो लार्वा बनती है उस लार्वा को निरंतर रॉयल जेली जब खिलाई जाती है श्रमिक मधुमक्खियों द्वारा देखिए साम पड़े सारा काम श्रमिक मधुमक्खियां करती हैं सारा काम श्रमिक मधुमक्खियां करती है तो श्रमिक मधुमक्खियां क्या करती हैं जो लार्वा होती है उनको भोजन भी खिलाती हैं तो जिन लार्वाओं को जो क्या होती है श्रमिक ज़्यादा रॉयल जेली खिलाती हैं वो किस में बदल जाते हैं रानी में बदल जाते हैं अब मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे छत्ते में बड़ी होती है आप चेक कर सकते हैं भाई रानी सबसे बड़ी है इन तीनों में कार में तो सबसे बड़ी होती है ठीक है ना आकार व लंबाई में सबसे बड़ी होती है याद रखें इसमें मोम ग्रंथियों का अभाव होता है देखिए आपको पता है अभी मो जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनसे मोम प्राप्त होता है याद रखें रानी जो होती है इसके अंदर मोम ग्रंथियाँ नहीं होती मतलब रानी जो हो होगी वो मोम का निर्माण नहीं करती ना ही नर जो होते हैं इनके अंदर मोम ग्रंथियाँ होती है इसका मतलब नर भी मोम का निर्माण नहीं करेंगे श्रमिक जो होती है श्रमिकों के शरीर पर मोम ग्रंथियाँ होती हैं इसलिए श्रमिक जो होती हैं वो मोम का निर्माण करेंगी ठीक है अब आगे देखना इसके पंख मुखांग डंक आदि कम विकसित होते हैं अभी रानी होते हैं इसके अगर आप ढंग से देखो इसके पंख देखो कितने छोटे हैं इसकी लंबाई के हिसाब से पंख कितने छोटे हैं और नर और जो श्रमिक होते हैं इनके पंख कितने बड़े हैं इनकी लंबाई के हिसाब से तो रानी जो होती है इसके पंख भी कम विकसित होंगे मुखांग भी कम विकसित होंगे ठीक है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अभी राणी के अंदर मुखांग कौन से कौन से होते हैं तो मैं बता देता हूं चबाने मतलब की सॉरी मधुमक्खियों के अंदर मुखांग कौन से होते हैं मधुमक्खियों के अंदर मुखांग होते हैं चबाने व चाटने वाले चबाने व चाटने वाले चबाने व चाटने वाले मुखांग होते हैं पर रानी के अंदर जो मुखांग होंगे वो कम विकसित होते हैं ठीक है रानी का डंक रानी में डंक भी होता है और वो डंक भी बहुत छोटा होता है भी बहुत कम विकसित होता है सोन में आ रही है मेरी बात डंक भी कम विकसित होता है मुखांग भी कम विकसित होता है और पंख भी कम विकसित होते हैं याद रखना और मुखांग कौन से होते हैं मधुमक्खियों में याद रखना भाई रानी नर और श्रमिक तीनों में मुखांग किस प्रकार के होते हैं चबाने और चाटने वाले ठीक है तो अब देखिए डंक कम विकसित होता है याद रखना भी डंक कम विकसित होता है रानियों में नर के अंदर डंक होता ही नहीं और श्रमिक सबसे ज्यादा विकसित डंक होता है ठीक है अब देखना अपने जीवन काल में जब रानी पुत्री होती है मतलब रानी रानी बनने से जब पहले पुत्री होती है मतलब शिशु होती है तब केवल देखना तब केवल क्या होती है तब केवल देखिए अब आपको जनन की प्रक्रिया बता रखी कि रानी किस प्रकार से जनन करती है जब बार मैथुनिक उड़ान भरती है, है? मदुम, है मैथुनिक उड़ान भरती है तो एक बार ठीक है मैथुनिक उड़ान जनन के लिए भरती है अभी तो मैथुनिक उड़ान में क्या होगा मैथुनिक उड़ान के लिए बहुत अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाती है अब इसके पीछे पीछे नर जो होते हैं छत्ते से वो भी निकल कर इसके पीछे भागते हैं इससे मैथुन करने के लिए जिससे बहुत से नर पीछे छूट जाते हैं अब ये ज्यादा ऊंचाई पर चली जाती है तो नर कई जो होते हैं वो पीछे रह जाते हैं और कुछ नर जो होते हैं यो, जो योग्य नर होते हैं वो इसके पीछे चले जाते हैं देखना शेष नर आपस में लड़ते हुए रानी का पीछा करते हैं ठीक है अब इन जितने भी नर होंगे इन नर में से जो योग्य नर होगा जो काबिल नर होता है वो क्या करता है रानी के साथ मैथुन करता है अब नर जो होगा वो मैथुन करते समय क्या करेगा अभी नर जो होगा वो मैथुन करते समय रानी के अंदर एक शुक्रधानी होती है अभी के अंदर एक संरचना होती है जिसे शुक्रधानी बोलते हैं उस शुक्रधानी में शुक्र शुक्राणुओं का संग्रहण होता है उस शुक्रधानी में क्या होता है शुक्राणुओं का संग्रहण होता है तो जो आपका नर होता है वो क्या करता है शुक्राणु जो होते हैं ठीक है उन शुक्राणुओं का स्थानांतरण कहाँ कर देता है अभी रानी की जो रानी के अंदर शुक्रधानी होती है उसके अंदर शुक्राणुओं को क्या कर देता है स्थानांतरण कर देता है मतलब रानी उन शुक्रधानी के अंदर शुक्राणुओं को संग्रहित कर लेगी मैथुन क्रिया के पश्चात यह नर के शुक्राणु को अपने शुक्रधानी में एकत्रित एकत्रित कर लेती है संग्रहित कर लेती है उसके बाद ये छत्ते में लौटा आती है और उसके बाद उन शुक्राणुओं का ये जीवन भर प्रयोग करती रहती है अभी उन शुक्राणुओं का यह क्या करेगी जीवन भर भर प्रयोग करेगी और अंडे देती रहती है देखिए अब इसके बस में होता है ये जब चाहती है तब निशेची अंडा देती है और जब चाहती है ये अनिशेची अंडों का निर्माण करती है अगर ये अनिशेची अंडों का निर्माण कर रही है तो उससे आगे नर बनेंगे अगर ये निशेची दंडों का निर्माण करिए तो उससे रानी और श्रमिक बनते हैं रानी कब बनेगी नचेची दंडा से जो निशेची दंडों से जो लार्वा बनेंगे उन लार्वाओं को अगर ज़्यादा खाना मिल रहा है ज्यादा रॉयल जेली मिल रही है तब तो, तो रानी बनेगी अगर कम रॉयल जेली या कम खाना मिल रहा है तो श्रमिक बनेंगे ठीक है अब देखिए क्या है मैथ्रिक उड़ान के पश्चात ये पुणे छत्ते में लौट आती है और जो छत्तों के अंदर कोष्टक बने होते हैं उनके अंदर क्या देती है अंडे देती है देखिए नर जो नर श्रमिक एवरानी को में जीवन भर आवश्यकता के अनुसार अंडे देती है मैंने बताया भी इसको मर्जी होती है जिस हिसाब से अंडे देना चाहे उस हिसाब से अंडे दे सकती है अब जो ना यह छत्ते को छोड़कर कभी नहीं जाती भाई यह छत्ते को छोड़कर कभी नहीं जाती ठीक है ना बाहर नहीं जाती एवं भोजन एवं कार्यों के लिए श्रमिकों पर निर्भर करती है देखो भोजन और कार्यों के लिए किस पर निर्भर कर रही है श्रमिकों पर निर्भर करती है सारा का सारा काम इसका श्रमिक करते हैं ठीक है ना निषेचित अंडों से यह रानी पुत्रियों एवं श्रमिक और अनिषेचित अंडों से नर उत्पन्न करना इसके नियंत्रण में होता है मैंने देखिए आपको बता दिया इसके बस में होता है कि ये निषेचित अंडों से नर उत्पन्न करे और अनिषेचित अंडों से रानी और श्रमिक उत्पन्न करे ठीक है वृद्धावस्था में जब ये अंडे देना बंद कर देती है ना तो जो रानी होती है इसको श्रमिक बंधु होती है छत्ते से बाहर निकाल देती है ठीक है मतलब तो वृद्धावस्था में जब अंडे देना बंद कर देगी तो श्रमिक इसे क्या करती हैं छत्ते से बाहर निकाल देती हैं और क्या करती हैं छत्ते की शेष जो क्या होती है रानी पुत्रियों को रॉयल जैली खिलाने लग जाती हैं छत्ते के अंदर बाकी जो रानियाँ होंगी पुत्री रानियाँ होंगी उनको रॉयल जैली खिलाई जाएगी ठीक है ना जो रानी पुत्री जो रानी पुत्री पहले जन्म लेती है मतलब जो रानी जो शिशु होगा जो रानी पुत्री होगी जो पहले जन्म लेगी वो क्या करती है अभी जो रानी पुत्री पहले जन्म लेती है वो शेष पुत्रियों को मारकर छत्ते की स्वामिनी बन जाती है मतलब जो सबसे पहले क्या करेगी भाई रानी जन्म ले लेती है वो क्या करती है बाकी रानी पुत्री जो होती है उनको मार देती है और किसके सहायता किस से मारती है ये क्वेश्चन है वो मारती है अपने अविकसित या अल्प विकसित डंक के माध्यम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा रानी अपने डंक का इस्तेमाल किस लिए करती है तो रानी अपने डंक का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ प्रतिद्वंदी रानी मक्खियों को मारने के लिए करती है ठीक है ना सोन में आ रही है मेरी बात इसके अलावा उसका और कुछ काम नहीं होता तो ये रानी के उम्मीद आपको लक्षण समझ में आगे होंगे ठीक है अब हम बात करते हैं नर के लक्षणों के बारे में ठीक है उम्मीद आपको समझ में आ गया जाएगा कि रानी के लक्षण क्या होते हैं तो रानी के लक्षण मैं आपको एक बहुत बता देता हूँ दोबारा से छत्ते में आकार में सबसे बड़ी होती है मोम ग्रंथियाँ नहीं होती मोम ग्रंथियों के अलावा इसका क्या होता है मुखांग कम विकसित होते हैं पंख कम विकसित होता है डंक अल्प विकसित होता है इसके अलावा छत्ते में संख्या इसकी एक होती है ठीक है और क्या होती है इसका काम क्या होता है इसका काम सिर्फ जनन करने का होता है अंडे देने का काम करती है ठीक है ना ये इसके अलग अलग लक्षण हैं जो मैंने आपको बता दिए आप ये लिख सकते हैं अब देखिए नर के बारे में बात करते हैं छत्ते के आकार के अनुसार इनकी संख्या बीस 20 से दो तक हो सकती है इनकी संख्या बीस 20 से दो तक हो सकती है याद रहना ये रानी से छोटे आकार के होते हैं याद रहना भी नर जो होते हैं वो रानी से छोटे होते हैं और श्रमिकों से बड़े होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रानी क्या रानी से आकार में छोटे होते हैं नर ना और श्रमिकों से बड़े होते हैं बाकी देखिए इनके अंदर पराग थैली नहीं होती भाई पराग थैली क्या होती है मैं अभी आपको आपको बता देता हूँ देखो इनके अंदर डंक भी नहीं होता और इनके अंदर मोम ग्रंथियों का अभाव होता है मतलब इनके अंदर मोम ग्रंथियाँ नहीं होती ये बात मैंने आपको शुरू में बता दी पराग थैली क्या होती है अब देखना मैं आपको बता देता हूँ मधुमक्खी जो होती है उसके शरीर पर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं उसके शरीर पर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं बाल पाए जाते हैं ठीक है ना वो बाल इस स्त्री इस प्रकार से उनकी रचना होती है अभी बाल की बाल देखना इस प्रकार से उनकी रचना होती है तो क्या होता है जब ये क्या करती है जो वैसे मैं बता देता हूँ इन पोलन बास्केट इनको पोलन बास्केट या पराग थैली बोलते हैं इन पराग थैली का काम कहता क्या होता है ये पराग थैली क्या होते हैं मान लीजिए वैसे नर के अंदर होते नहीं है जो आपकी पराग थैली है वो किसके अंदर होती है श्रम श्रमिक के अंदर होती है तो मैं बता देता हूँ भाई पराग श्रमिक के अंदर पराग थैली का काम क्या होता है श्रमिक जब क्या होती है भाई किसी फूल से रस चूसने जाती है श्रमिक जब किसी फूल से रस चूसने जाएगी तो फूल के अंदर पराग कण बनते हैं आपको पता है पराग कर्ण जो होते हैं ठीक है ना वो परागकर्ण क्या होते हैं इनके अंदर भर जाते हैं पराग कण इनके अंदर भर जाते हैं ठीक है ना और जब ये जो क्या होगी रानी जो होती है जब ये श, क्या होती है श्रमिक मधुमक्खी किसी दूसरे फल पर जाती है तो ये जो पराग कर्ण होते हैं इसकी शरीर से निकल कर कहाँ गिर जाते हैं पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं इस प्रकार जो होती है वो श्रमिक मधु मधुमक्खियाँ क्या करती हैं परागण में मदद करती है तो पराग थैली जो होती है ये क्या करती है इसके अंदर परागकरण क्या होते हैं भर जाते हैं और ये परागकरण क्या होते हैं आगे चल कर क्या आ जाते हैं किसी दूसरे पुष्प की वृत्त पर क्या हो जाते हैं स्थानांतरित हो जाते हैं जिससे परागण हो जाता है ठीक है ना तो परागण में भी मदद करती है मधुमक्खी हम देखेंगे आगे तो याद रखना इनके अंदर पराग थैलिया नहीं होती पराग थैली सिर्फ श्रमिक के अंदर होंगी इनमें जनन तंत्र विकसित होता है इनमें जनन तंत्र विकसित होता है इनका काम सिर्फ एक ही है ये सिर्फ राणी के साथ महत्वपूर्ण करेंगे बस इसके अलावा इनका और कुछ काम नहीं होता रानी के साथ मैथून के अलावा इनका कोई भी काम नहीं होता ठीक है अब देखिए श्रमिकों द्वारा लाए भोजन पर निर्भर करते हैं श्रमिक जो भोजन देखो सारा का सारा काम श्रमिक करते हैं बस रानी अंडे देती है जो नर होता है वो मैथून करता है बाकी सारा काम श्रमिक करेंगे तो ये भी श्रमिकों पर निर्भर करते हैं देखिए जब कई बार क्या होता है ऐसी ऋतु आ गई जब ऋतु के अनुसार क्या हो गई भोजन की कमी हो गई तो छतें भोजन की कमी हो जाती है तो श्रमिक क्या करते हैं नरों को छत्तों से बाहर फेंक देते हैं सुन में आ रही है मेरी बात जिससे इनकी भूख की वजह से क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है ठीक है अब देखिए श्रमिकों के बारे में बात करते हैं हम के क्या क्या लक्षण होते होते हैं तो श्र, जो होते हैं तो जो निशेचित अंडों से लार्वा अवस्था में देखो निषेचित अंडों से बनते हैं निषेचित अंडों से जो लार्वा बनेगा अगर अगर लार्वा को कम भोजन मिल रहा है तब किसका निर्माण होता है श्रमिक का निर्माण होता है ठीक है ना लार्वा को अगर कम भोजन या कम रॉयल जेली मिलती है तब बनते हैं श्रमिक मैंने आपको बता दिया ठीक है तो जिन्हें खाने के लिए रॉयल जेली कम मिलती है ठीक है ना वे ही सत्योन क्या होता है सतनो सत्योन्पत्ति के अयोग्य होकर श्रमिक का कर निर्माण करते हैं मतलब इनके अंदर जनन की क्षमता नहीं होती भाई ये जनन नहीं कर सकते श्रमिक ठीक है इसके अलावा देना श्रमिक मधुमक्खियों में सबसे छोटा आकार इनका होता है सबसे छोटा आकार होता है वह इनका ठीक है ना इनके उधर के अंतिम सिरे पर डंक एवं पेट के निचले हिस्से पर मोम ग्रंथियाँ क्या होती होती हैं ठीक है ना अब याद रहना मैं आपको बता देता हूँ मान लीजिए ये सिर है मधुमक्खी का ये वक्ष है और ये उधर है तो उधर के अंतिम सिरे पर इस प्रकार से इनमें एक डंक होता है पूर्ण विकसित ठीक है और उधर के निचले सिरे पर उधर के निचले सिरे पर क्या आती है इनमें मोम ग्रंथियाँ आती है जिससे ये मोम का श्रावण करते हैं ठीक है इसके अलावा देखना इनके मुखांग चबाने और चाटने वाले होते हैं याद रखना भी इनके मुखांग चबाने और चाटने वाले होते हैं ये मोम को चबाते हैं और शहद को चाटते हैं ठीक है ना इनकी इनमें आपको पता है मधुमक्ख कोई भी कीट होता है उसमें तीन जोड़ी टांगे होती हैं ठीक है ना तो इनमें जो बीच वाली टांगे होती हैं और जो सबसे पिछली जोड़ी टांगे होती हैं उन पर क्या होता है ब्रश के समान बाल होते हैं ठीक है ना पिछली जोड़ी टांगों पर प्राग थैली है अधिक संख्या में बाल होते हैं सुन में आ गई अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट काम की रानी मक्खियों का काम क्या होता है तो रानी मक्खियों का आपको काम याद रखना है अभी रानी मक्खियों का काम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ रानी मक्खी हम भोजन इकट्ठा करती हैं आसपास के स्थानों से मधु और प्रागणों को लेकर आना ठीक है छत्ते से रक्षा करती हैं अगर मान लीजिए आप किसी छत्ते से जाकर छेड़खानी ले रहे हैं अगर कोई मधुमक्खी आपको काट रही है तो समझ जाना इसके मतलब वो श्रमिक मधुमक्खी है ठीक है ना तो ये शत्रुओं से छत्ते की रक्षा करती है छत्ते में शिशुओं को भोजन खिलाती है जितने भी शिशु होते हैं चाहे वो नर शिशु हो चाहे वो रानी शिशु हो मतलब लारवाओं को क्या करेगी भोजन खिलाने का काम करेगी ठीक है इसके अलावा उधर के निचले खंड से मोम को टांगों से छुटाकर मुख द्वारा चबाकर उसे लचीला बनाकर छत्ते का निर्माण करती है मतलब छत्ते का निर्माण भी यही करती है और छत्ते की मरम्मत भी यही करती है ठीक है अब मैं आपको बता देता हूँ अभी कि अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आने वाला है जो आपको मैं बता देता हूँ कि मधुमक्खियाँ भोजन किस प्रकार से एकत्रित करती हैं मधुमक्खियाँ जो होती हैं भोजन किस प्रकार से एकत्रित करती है इसके लिए डांस करती हैं अभी मधुमक्खियाँ आप जानेंगे बड़ी आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी मधुमक्खियाँ भोजन इकट्ठा करने के लिए डांस करती है और उस डांस को बोलते हैं वेगल नृत्य क्या बोलते हैं वेगल नृत्य तो अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप बड़े ढंग से देखना इसको आपको बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा तो मैं अब आप अपना जो अपने टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो क्या मधुमक्खिया मतलब आपसे पूछ सकते हैं वेगल नरता है क्या होता है या आपसे पूछ सकते हैं मधुमक्खिया किस प्रकार से भोजन एकत्रित करती हैं तो देखिए पहली बात लाएंगी श्रमिक मक्खियाँ के अलावा और कोई भोजन नहीं लाता तो मान लीजिए ये छत्ता है इमेजिन करें ये छत्ता है मैं यहाँ बना देता हूँ मान लीजिए ये छत्ता है ठीक है ये छत्ता है ये छत्ते के अंदर खंड है ये छत्ते के अंदर क्या है भाई खंड है ये यहाँ मान लीजिए बहुत सारी तो क्या है श्रमिक मधुमक्खियाँ तो श्रमिक मधुमक्खियाँ क्या करती हैं दो ग्रुप बना लेती हैं श्रमिक मधुमक्खियाँ दो ग्रुप बना लेती हैं कौन कौन से दो ग्रुप बनाती हैं अभी एक ग्रुप तो वो बनाती है जो भोजन लाने का काम करेगा एक ग्रुप तो कौन सा होगा मैं लिख देता हूँ जो भोजन लाएगा एक ग्रुप तो क्या क्या कौन सा होता है जो भोजन लाने का काम करता है और दूसरा ग्रुप क्या कौन सा होता है जो भोजन खोजने का काम करेगा जो भोजन क्या करेगा भोजन को खोजने का जो भोजन को खोजने का काम करेगा एक ग्रुप तो वो होता है जो भोजन को लाने का काम करता है और एक ग्रुप जो होता है वो भोजन को खोजने का काम करेगा इतनी बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी ठीक है अब मैं आपको बता देता तो हूँ देखिए कि किस प्रकार से भोजन खोजती है ठीक है ये देखना मान लीजिए एक सेकेंड देखिए मैं अलग अलग बना देता हूँ मान लीजिए ये जो लाल वाली है ये भोजन खोजने वाला ग्रुप है और मान लीजिए ये जो ब्लैक वाला है ये भोजन लाने वाला ग्रुप है ये खोजने वाला है और ये सॉरी ये खोजने वाला है और ये काड़ा वाला लाने वाला है ठीक है ये खोज रहा है ये भोजन खोजेगा ग्रुप और ये भोजन लाएगा ठीक है तो भोजन खोजने वाला जो ग्रुप की मधुमक्खियाँ होती हैं ये क्या क्या करती हैं अलग अलग दिशा में जाएंगी अलग अलग दिशा में जाती हैं एक सेकेंड रेड से ही लिखते हैं ये अलग अलग ये मान लीजिए मधुमक्खी इस दिशा में जा रही है ये इस दिशा में जा रही है इस दिशा में जा रही है ये इस, इस दिशा में जा रही है अलग अलग, अलग, अलग दिशाओं में जाएंगी मधुमक्खियाँ ठीक है मान लीजिए इस मधुमक्खी को भोजन मिल गया यहाँ पर इस मधुमक्खी को यहाँ पर भोजन मिल गया ठीक है तो ये भोजन की खोज दिशा खोज में अलग अलग, अलग दिशाओं में जाएंगी तो जिस मक्खी को भोजन मिलता है मान लीजिए ये एक मक्खी है इस मक्खी इस दर वाली ये जो मक्खी है इसको भोजन मिल गया तो ये मधुमक्खी क्या क्या करती है जो भोजन होता है उसको थोड़ा सा अपने शरीर पर लगाएगी भोजन को थोड़ा सा शरीर पर लगाती है और क्या करती है सूर्य की स्थिति को याद में रखती है क्योंकि ये सूर्य की दिशा को देख के ही दिशा का ज्ञान लगाएंगी क्या हाँ इस दिशा में भोजन था तो ये अभी ये क्या करेगी सूर्य की स्थिति को ध्यान में रखेगी ठीक है उसके बाद ये तेजी से क्या करती जाएगी लौटती हुई छत्ते के पास जाएगी छत्ते पर छत्ते पर लौट कर जाएगी अब देखिए ये बोल तो सकती नहीं है कि ये छत्ते लाने वाले ग्रुप को कह देगी कि हाँ मुझे छत्ता जो खाना है वो वहाँ मिला है अपने चलते हैं आज वो लेके आते हैं ऐसा तो नहीं होता अभी ये बोल तो सकती है। नहीं है तो फिर ये किसी ना किसी प्रकार से इसको सिग्नल देगी कि हाँ वहां पर ये क्या है मुझे भोजन मिल गया तो ये क्या करती है अभी अब ये छत्ते पर आकर क्या करती है तेजी से गोल गोल घूमेगी पहले क्या करेगी गोल गोल घूमेगी और अपना उधर जो होती है उधर मतलब पेट जो होती है उसको कभी दाएं हिलाती है कभी बाएं हिलाती है कभी दाएं हिलाती है कभी बाएं हिलाती है कभी दाएं हिलाती है कभी बाएं हिलाती है जब ये गोल गोल से घूमती है और उधर को दाएं बाएं हिलाती है तो ये जो छत्ता भोजन लाने वाला ग्रुप है ये समझ जाता है भाई कि इसको कुछ ना कुछ मिल गया ठीक है ना इसको भोजन मिल गया ठीक है ये क्या करेगी अच्छा अब याद रखना छत्ते पर छत्ते के पास आके ये जब गोल गोल घूमती है और उधर को दाएं बाएं हिलाती है तो इस प्रक्रिया को वेगल नृत्य बोलते हैं या वेगल डांस बोलते हैं ठीक है थीके? तो ये मधुमुखियाँ समझ जाती हैं कि जो जो भोजन लाने वाला ग्रुप है ये समझ जाता है कि इसको भोजन मिल गया अब क्या करती है ये जो श्रमिक मधुमक्खी होती है तेजी से उड़ेगी ये वाली ये वाली तेजी से उड़ती हुई जाती है तो जिस दिशा में तेजी से उड़ती हुई जाएगी उसी दिशा में क्या होता है भोजन होता है इन मधुमक्खियों को पता लग जाता है कि हाँ जिस दिशा में जा रही है ये जो छत्ता लाने वाला ग्रुप होता है इसको पता लग जाता है कि हाँ इस जिस दिशा में तेजी से जा रही है उस दिशा में भोजन होगा तो ये इसके पीछे पीछे भाग लेती हैं और वहाँ से भोजन को इकट्ठा करके ला के कहाँ डाल देती हैं शहद के मतलब ये जो कोष्टक होते हैं इनके अंदर ला के भोजन को भर देंगी इनके अंदर लाके क्या कर देती हैं भोजन को भर देती हैं ठीक है और याद रखना शहद भर देंगी उसके बाद क्या करती हैं ये तेजी से पंख फड़फड़ाती हैं अब तेजी से जब ये पंख फड़फड़ाएंगी तो शहद के अंदर जो जल होता है वो जल उड़ जाता है और शहद जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है तो आपसे पूछेंगे किस प्रकार से जो मधुमक्खिया होती है भोजन शहद को गाढ़ा करती है तो तेजी से पंख फड़फड़ाती है जिसमें जो अतिरिक्त जल जो होता है वो उड़ जाता है ठीक है ना और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से भोजन एकत्रित करती है और वेगन लड़ता क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया अब देखते हैं मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ देखिए क्या लिखा हुआ है श्रमिक मधुमक्खियाँ अपने कार्यों को दो भागों में बांट लेती हैं पहला दल जो होता है वो पराग खोजने का काम करता है और दूसरा उसको लाने का काम करता है पहले दल के किसी सदस्य को जब मधु या पराग कणों का पता चलता है तो वो उसको अपने शरीर पर चिपका लेता है थोड़ा सा और सूर्य की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए गोल गोल घूमती है जिसे वेगल नृत्य बोलते हैं गोल नृत्य करते हुए अपने उधर को दाएं बाएं हिलाती है और तेजी से पंख को फड़फड़ाते हुए जिस दिशा में तेजी से चलती है उधर ही भोजन का स्रोत होता है इस प्रकार की संचार क्रिया द्वारा भोजन लाने वाले दल को सूचना मिल जाती है उनको पता लग जाता है अभी मधु लाने वाले दल क्या करते हैं मधु को क्या करते हैं छत्ते के कोष्ठकों में भरने के पश्चात पंखों द्वारा हवा करके अतिरिक्त जल को बाहर निकाल कर इसे गाढ़ा बना देते हैं ठीक है तो आप ये पढ़ सकते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ आ दिया है आप समझ चुके हैं इस चीज़ को अब देखिए ये कुछ बातें लिखी हुई हैं जल्दी से पढ़ देता हूँ मैं कि शहद जो होता है देखिए ये इनमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा ये तो बस ऐसे ही बता रखा है मैं आपको पढ़वा देता हूँ जल्दी से कि शहद बल प्रवर्धक होता है प्रसन्नता प्रदान करने वाला होता है मनुष्य को पसंद आने वाला पदार्थ है प्राचीन काल से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है परंपरागत तरीके से शहद इकट्ठा करते समय क्या होता है भाई अब देखिए परम्परागत तरीके में हम क्या करते हैं छत्ते को तोड़ते हैं और छत्ते को निचोड़ कर उसमें से शहद निकाल लेते हैं इससे क्या होता है भाई छत्ते के अंदर अंडे भी होते हैं भाई मेरी बात सुने वो अंडे जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं शहद में आ जाते हैं जिससे शहद क्या हो जाता है मतलब गंदगी है हो जाती है शहद में तो देखना परंपरागत प्र, तरीके में क्या करते थे जब छत्ते का पता चल जाता था इसके नीचे धुआं लगा लेते थे और शरीर पर मोटा कपड़ा लपेट लेते छत्ते को तोड़ते थे और उसको निचोड़ लेते थे और उससे शहद निकाले थे ऐसा करने से क्या होता है भी जो छत्ते के अंदर अंडे लार्वा प्यूपा और जो शिशु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं जिससे शहद में गंदगी भी आ जाती है ठीक है ना प्राकृतिक छत्तों में शहद हमेशा छत्ते के ऊपरी भाग से ही प्राप्त होता है प्राकृतिक छत्ते जो होते हैं उनमें क्या होता है याद आना जो शहद होता है वो हमेशा छत जो शहद होता है वो छत्ते के ऊपरी भाग में होता है आता है उसी को चाकू या प्लेट से अलग करके क्या करना आती है हमें अगर शायद लेना है लेना है तो छत्ते का सिर्फ ऊपरी ही भाग चाकू से काटना चाहिए ठीक है ना ऐसा नहीं है पूरा छत्ता ही तोड़ लिया लिया ठीक है ना क्योंकि शायद जो है वो ऊपर ही भाग में होता है सुन में आ रही है मेरी बात अब देखिए नीचे यहाँ से कुछ बातें दे रखी हैं इनमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपको याद रखने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ देखिए कि कुछ दशकों से मतलब पिछले कुछ वर्षों से कृत्रिम छत्तों का विकास होने से आधुनिक मधुमक्खी पालन का विकास हुआ है आपने देखे होंगे कभी खेतों के आसपास लकड़ी के बक्से से रखे रहते हैं वो कृत्रिम छत्ते होते हैं उन कृत्रिम छत्तों में मधुमक्खियों का कृत्रिम पालन किया जाता है हम पढ़ेंगे अभी कृत्रिम मधुमक्खी पालन कैसे किया जाता है ठीक है तो पिछले कुछ दशकों से कृत्रिम छत्तों का विकास होने से मधुमक्खी पालन बहुत बढ़ चुका है अंतः राजस्थान के दक्षिण पूर्वी एवं उत्तरी भागों में जहाँ फसलें जलवायु एवं पेड़ पौधों का अनुकूलन है वहीं पर कृत्रिम मधुमक्खी पालन किया जा रहा है ठीक है ना अब देखिए आगे कुछ बातें दे रखी हैं इस पैराग्राफ से इस पैराग्राफ से क्वेश्चन बनेंगे अभी ध्यान दीजिएगा इस पैराग्राफ पर ठीक है तो देखिए मधुमक्खी पालन के लिए देखो मेरी बात सुनिए मधुमक्खी पालने के लिए पहले प्रशिक्षण जरूरी है मधुमक्खी किस प्रकार पालनी चाहिए ठीक है ना तो वही बात दे रखिए मधुमक्खी पालन के लिए पूर्व पहले क्या लिया जाना चाहिए प्रशिक्षण लिया जाना चाहिए इसके लिए भारत ने क्या कर रखा है भारत सरकार ने अलग अलग राज्यों में क्या कर रखा है भाई मधुमक्खी पालन के प्रशिक्षण केंद्र खोल रखे हैं जिसमें क्या करते हैं मधुमक्खी किस प्रकार से पाली जाती है वो बताया जाता है तो भारतवर्ष में अधिकतर अधिकतर राज्यों में खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा क्या कर रहे हैं प्रशिक्षण केंद्र चला जाए चलाए जा रहे हैं राजस्थान राज्य में इसका प्रशिक्षण केंद्र याद रखना भी राजस्थान में कहाँ पे है प्रशिक्षण केंद्र खादी ग्रामोद्योग ग्रामोद्योग क्या ग्रामोद्योग विद्यालय राजस्थान खादी संघ शिवदासपुरा जयपुर में स्थित है ये ये नाम दे रखा है भाई आपको इस प्रशिक्षण केंद्र का ये कहाँ पे है जयपुर के अंदर है खादी ग्रामोद्योग विद्यालय राजस्थान खादी शिव संघ शिवदासपुरा जयपुर में ठीक है ना ये आपसे पूछ सकते हैं अभी जेट में या आपसे क्या बोल सकते हैं जो ट्वेल्थ में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या बोलते हैं खादी ग्रामोद्योग विद्यालय राजस्थान खादी संघ जो प्रशिक्षण केंद्र है ये कहाँ पे है तो ये जयपुर में है याद रखना इसी प्रकार से अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के द्वारा इस योजना के अंदर क्या कर रहा है कोटा के अंदर भी एक प्रशिक्षण केंद्र खोला था और जो कोटा के अंदर प्रशिक्षण केंद्र है उसका नाम क्या है कृषि अनुसंधान केंद्र कोटा में भी मधुमक्खी पालन केंद्र है मतलब कृषि अनुसंधान जो केंद्र है कोटा में उसके अंदर भी मधुमक्खी पालन किया जा रहा है ठीक है ना इसके अलावा यह आपको नाम याद रखना है इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर जो क्या है वहां पर भी एक क्या है प्रशिक्षण केंद्र है तो उत्तर प्रदेश में इसका प्रशिक्षण केंद्र क्या के राजकीय केंद्रीय केंद्र क्या के भी केंद्र राजकीय मधुमुखी पालन प्रशिक्षण केंद्र ठीक है जोलीकोट जिला नैनीताल यूपी में भी है इसका ठीक है ना प्रशिक्षण केंद्र तो आपको ये प्रशिक्षण केंद्र याद रखना है, तो है एक तो राजस्थान में दे रखा है कोटा में दे रखा है मतलब एक जयपुर का एक कोटा का और एक नैनीताल का दे रखा है आपको याद रखना है ठीक है ना ये ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं सब सर्वाधिक मधुमक्खी पालन क्या कहां किया जाता है कहाँ किया जाता है तो सर्वाधिक मधुमक्खी पालन जो है भारत में बिहार तमिलनाडु केरल में और मध्य प्रदेश में होता है ठीक है अब मैं आपको कृत्रिम मधुमक्खी पालन बता देता हूँ कृत्रिम मधुमक्खी पालन क्या होता है ये देखिए ये जो छत्ते होते हैं इस प्रकार से इस प्रकार के छत्तों में क्या किया जाता है कृत्रिम मधुमक्खी पालन किया जाता है ठीक है और कृत्रिम मधुमक्खी पालन के लिए कौन कौन सी सामग्रियाँ चाहिए उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे क्या क्या चाहिए होते हैं ये जो सिर ढकने वाली जाली है द ग्लब्स हैं इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे ठीक है तो देखना कृत्रिम मधुमक्खी पालन क्या कहता है देखिए पहली बात कृत्रिम मधुमक्खी पालन किया जाता है लकड़ी के बने बक्सों में मैं आपको बता देता हूँ कृत्रिम मधुमक्खी पालन किया जाता है इस प्रकार के लकड़ी के बने बक्से होते हैं या लकड़ी के बने हुए कृत्रिम छत्ते होते हैं उनके अंदर किया जाता है ये छत्ते दो भागों में बटे होते हैं याद रखना भाई ये छत्ते छत्ते कितने भागों में बटे होते हैं दो इस प्रकार से ये छत्ते दो भागों में बटे होते हैं ठीक है ना ऊपर वा ऊपरा एक ऊपर वाली जो खंड होता है वो छोटा होता है नीचे वाला खंड जो होता है बड़ा होता है ये एक बड़ा चार होता है कुल छत्ते का और ये कुल छत्ते का तीन बड़ा चार भाग होता है ठीक है ना नीचे वाला ऊपर वाले खंड को क्या बोलते हैं शहद खंड बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर शहद होता है इसके अंदर क्या होता है शहद होता है इसलिए इसको शहद खंड बोलते हैं नीचे वाले को क्या बोलते हैं शिशु खंड बोलते हैं क्या बोलते हैं शिशु खंड देखो इस नीचे वाले इसको बोलते हैं शिशु खंड क्योंकि नीचे वाला जो खंड होगा इसी के अंदर रानी मक्खी होगी इसी के अंदर श्रमिक होते हैं इसी के अंदर नर होते हैं इसी के अंदर अंडे और लार्वा मतलब जो भी चीज़ है वो यहाँ पर होगी और शहद होते हैं वो यहाँ पर होते हैं अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ ये जो छत्ता जो शहद खंड होता है और ये जो क्या होता है शिशु खंड होता है इसके बीच में ये जाली लगी होती है इसके बीच में क्या लगी होती है एक जाली लगी होती है लोहे की इस जाली के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं ये बीच में जाली लगी होती है थीक्या? इस जाली के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं छेद होते हैं ठीक है अब इन छेद के अब देखिए छेद का आकार इतना ही होता है कि इस इस छेद में से सिर्फ श्रमिक मक्खी ऊपर जाए और शहद को लाए और नीचे लाके इनको खिला सके सुन मैं आ रही है दोबारा से सुन मैं क्या बोल रहा हूँ कि श्रमिक मधु क्या होती है श्रमिक मधुमक्खियाँ ही ये जो जालियाँ होती हैं बीच में ये जो जाली लगी होती है उस जाली का आकार इतना ही होता है कि श्रमिक मक्खियाँ यहाँ से जाए ऊपर और क्या करे नीचे की तरफ आ जाए शहद लेके ठीक है ना और नीचे शिशुओं को खिला सके ठीक है या रानी और नर को भी खिला सके रानी या नर इस से ऊपर नहीं जा सकते रानी या नर इस ऊपरी खंड में नहीं जा सकते अगर रानी ऊपरी खंड में चली गई तो वो शहद खंड में भी अंडे दे देगी और शहद खराब हो जाएगा ठीक है ना तो याद रखना क्या बताया भाई मैंने दो होते खंड होते हैं शहद खंड नीचे वाला शिशु खंड शहद खंड छोटा होता है एक बोटा चार होता है कुल छत्ते का नीचे वाला खंड जो होता है शिशु खंड होता है ये थोड़ा बड़ा होता है इसमें शहद होता है इसके अंदर क्या होता है नीचे शिशु खंड में सारी चीज़ें होती हैं अंडे लार्वा सारी चीज़ें ही मिलेंगी आपको रानी नर श्रमिक भी इसी में रहते हैं ठीक है ना अब देखिए मैं बता देता हूँ आपको और भी पढ़ लेते हैं हम साथ के साथ देखिए मधुमक्खी पालन कृत्रिम मधुम क्या था मधुमक्खी पालन कृत्रिम मधुमक्खी छत्ते में जो एक लकड़ी से बने बक्शी संरचना होती है में किया जाता है ठीक है ना जिसका एक हिस्सा दरवाजे की तरह खुल जाता है अभी इसका एक दरवाज़ा मतलब ऊपरी जो खंड होता है उसका दरवाज़ा क्या होता है मतलब वो जो ऊपरी खंड जो ऊपरी क्या होता है भाग होता है उसका जो क्या होता है अभी जो ऊपरी हिस्सा होता है वो दरवाजे की तरह खुल जाता है बंद हो जाता है ये देखिए नीचे दे रखे है आपको समझ में आए तो ये देखिए ये छत्ता है एक सेकंड, ये छत्ता दे रखा है छत्ते का ये ऊपर हिस्सा दे रखा है ये देखिए ये दरवाजे की तरह खोल लिया इसको चाहे तो ऐसे नीचे ढक भी सकते हो ठीक है अब आगे देखना क्या है कि बक्सा दो भागों में बटा होता है ऊपरी भाग एक बटा चार होता है ठीक है ऊपरी भाग एक बड़ा चार भाग होता है जिसे क्या बोलते हैं याद रखिएगा जिसे जो जिसे क्या बोलते हैं शहद खंड बोलते हैं देखना है। जो शहद खंड कहलाता है नीचे वाला तीन बड़ा चार होता है जो शिशु खंड कहलाता है ठीक है अब आगे देखें दोनों भागों के बीच में एक इस प्रकार की जाली लगी रहती है देखना एक सेकेंड देखें दोनों भागों के बीच में एक इस प्रकार की जाली लगी रहती है जिस उस उसके छिद्रों में से श्रमिक मधुमक्खियाँ ऊपरी खंड में जाकर शहद इकट्ठा कर सकती हैं परंतु रानी मक्खी आकार में बड़े होने के कारण जाली के ऊपरी खंड मतलब जाली से ऊपरी खंड में नहीं जा सकती अन्यथा वो पूरे शहद खंड में अंडे दे देगी और पूरा क्या हो जाएगा वो गंदा हो जाता है यह बक्सा पूरी तरीके से बंद होता है भाई इसके पैंदे पर एक छिद्र होता है इसके पैंदे पर सिर्फ एक छिद्र होता है और उस छिद्र पर भी जाली लगी होती है और जाली का आकार भी इतना ही होता है कि श्रमिक मधुमक्खियाँ बाहर जा सकें छतों से और भोजन को इकट्ठा करके वापस अंदर की तरफ ला सके ठीक है ना उस पर भी जाली लगी होती है ऐसा होता है ऐसी जाली इसलिए होती है जिससे सिर्फ श्रमिक मक्खियां ही बक्से में आ जा सके लेकिन रानी ऐसा नहीं कर सकती अब आगे देखना कि देखो अब देखो क्या दे रखा है बक्से के अंदर कृत्रिम छत्ता बक्से के अंदर कृत्रिम छत्ता मोम की परत वाली धातु या प्लास्टिक की प्लेटें होती हैं देखना जिसमें क्या होता है शटा शट भुझाकार कोष्टक होते हैं मतलब जो बक्सा होता है छत मतलब जो जो लकड़ी का बक्सा होता है लकड़ी के बक्से के अंदर क्या होती है धातु या प्लास्टिक की क्या होती है प्लेटें होती हैं वो धातु या प्लास्टिक की प्लेटें होती हैं वो मोम से ढकी हुई रहती हैं ठीक है ना उनके अंदर कोष्टक बने होते हैं जिनके अंदर अंडे दे सकती हैं क्या मधुमक्खियाँ मान लीजिए इस प्रकार की प्लेट होती है प्लेट धातु या प्लास्टिक की बनी होती है इसके अंदर इस तरीके से छठ भुझाकार कोष्टक होते हैं ठीक है इस तरीके से छठ भुझाकार कोष्टक होते हैं और याद रखना ये प्लेटें मोम से कवर रहती हैं ठीक है आप देखिए आगे क्या दे रखा है ठीक है इस प्रकार के छतों की प्लेटों को बक्से के ऊपर वाली खाली स्थानों में इस प्रकार से एक दूसरे से उचित दूरी पर रखते हैं जिससे मधुमुखियाँ समानांतर लगे क्या आते हैं छत्तों में शहद भर सके देखो मान लीजिए ये ऊपरी खंड है ऊपरी खंड है ऊपरी खंडों खंड में अपने क्या करते हैं जो पलेटें होती है ना उसको इस प्रकार से रख सकते हैं इस प्रकार से रखते हैं समानांतर ठीक है ठीक है ताकि क्या कर सकें जो मधुमक्खियाँ नीचे से ऊपर की तरफ आएँ और जो कोष्टक होते हैं उनके अंदर क्या भर सकें शहद भर सकें समझ में आ रही है मेरी बात इस प्रकार से अपने पलेटें लगाते हैं ठीक है अब देखना मधुमक्खी पालन के लिए कौन कौन से उपकरण चाहिए वो मैं बता देता हूँ आपको देखें पहला सिर ढकने वाली जाली मच्छरदानी के कपड़े के समान जालीदार उपकरण जिससे मुंह, सिर व गर्दन तक भाग ढक जाए सिर ढकने वाली जाली होती है भी जिससे क्या होता है मधुमक्खियाँ मुंह पर हमला ना करें या हाथ वगैरह मतलब मुंह, गर्दन इन पर हमला ना कर सके सिर पर ठीक है रबड़ के दस्ताने होते हैं अभी जिससे हाथों को भी बचाया जा सके मधुमक्खियों के डंक से बचाने के लिए दस्ताने पहने जाते हैं धुआं करने वाला एक छोटा सा लोहे का यंत्र होता है अभी टीन के बना डब्बा सा होता है जिससे क्या करते हैं धुआं कर देते हैं तो शहद की प्राप्ति हेतु टीन का बना एक डब्बा होता है जिससे धुआं छोड़ा जाता है ठीक है ना इसी प्रकार से लोहे की बनी एक चपटी प्लेट होती है लोहे की बनी एक चपटी प्लेट होती है इस चपटी प्लेट से क्या करते हैं बक्से के पैंदों को साफ़ करने के लिए लोहे की एक चपटी प्लेट होती है स्क्रैपर बोलते हैं इसको ठीक है ना साफ़ करने के लिए लोहे की बनी एक चपटी प्लेट होती है चाकू भी होता है अभी चाकू का इस्तेमाल भी क्या करते हैं इसे गर्म करके शहद की प्लेटों के कोष्ठों के ऊपर बने मोम निर्मित मुंह को स्पर्श करते हैं जिससे क्या होता है कोष्ठ खुल जाता है मतलब चाकू का बहुत सारा इस्तेमाल होता है अभी चाकू भी चाहिए होता है ठीक है अब आगे देखें कि जिससे उनका मुंह खुल जाए इसी प्रकार से शहद निकालने के लिए उपकरण होता है एक मशीन सी होती है अभी एक बड़ी सारी मशीन से होती है उस मशीन के अंदर अपने छत्ते डालते रहते हैं और वो मशीन गोल गोल घूमती रहती है इस मशीन के नीचे इस प्रकार से टूंटी लगी रहती है गोल गोल घूमती रहती है जिससे छतों से अलग हो जाता है और शायद को टूंटी के द्वारा नीचे निकाल लिया जाता है ठीक है ना तो देखिए चाहे तो आप इसकी गूगल पर इमेज देख सकते हैं सर्च कर कर आप लिख सकते हैं हनी एक्सट्रैक्टिंग इक्विपमेंट इक्विपमेंट तो शायद से भरे छतों को इसमें डालकर इस प्रकार से घुमाया जाता है कि शहद प्लेटों के कोष्टकों से अब केंद्रीय बल द्वारा शहद क्या हो जाता है बाहर आ जाता है ठीक है ना तत्पश्चात तो नल की टोंटी खोल कर शहद को बाहर निकाल लिया जाता है ठीक है अब देखिए मधुमक्खियों को कृत्रिम छत्तों से पकड़कर पालना ये थोड़ा सा टॉपिक है और इसके बाद मधुमक्खियों का कृषि में महत्व है वो पढ़ेंगे फिर अपना चैप्टर कंप्लीट आइए ठीक है ठीके? अब देखते हैं कि मधुमक्खियों को प्राकृतिक छत्तों से पकड़ कर पालना तो देखिए आप क्या कर सकते हैं किसी प्राकृतिक छत्ते से ही शाम के समय रानी नर और श्रमिक मधुमक्खियों को पकड़कर कृत्रिम छत्तों में छोड़कर इन्हें कुछ दिन के लिए खाने के लिए शरबत दे सकते हैं ठीक है ना शाम के समय पकड़ेंगे भी क्योंकि शाम के समय सारी मधुमक्खियां आपको छत्ते में मिलेंगी बीच में तो क्या होता है अभी श्रमिक वगैरह जो होती हैं वो भोजन की तलाश में इधर उधर चली जाती हैं अब आगे देखना इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप देखिए इसके अलावा जो क्या होता है जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनका प्रवास का एक टाइम होता भी, है अभी याद रखना मधुमक्खियाँ होती हैं उनका प्रवास का एक टाइम होता है उस दौरान वो क्या करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं तो अपने क्या करेंगे मान लीजिए मान लीजिए मधुमक्खियों का छत्ता है यहाँ पर ये यहाँ से प्रवास करके जा रही हैं तो अपने क्या करेंगे जब मधुमक्खियों का प्रवास का दिन होता है तब अपने क्या करेंगे एक कपड़े की टोपी सी लेते हैं उसके अंदर शहद लगा लेते हैं मान लीजिए कोई मान लीजिए ये कोई कपड़े की टोपी सी है इसके अंदर अपनों ने क्या लगा दिया शहद लगा दिया और इस टोपी को टांग देते हैं इस टोपी को इसके अंदर शहद लगा दिया अपनों ने अब मधुमक्खियाँ क्या होती हैं यहाँ प्रवास के दौरान जाएंगी तो मधुमक्खियाँ इस शहद पर आकर बैठ जाएंगी और हम उन्हें पकड़ लेंगे और उन्हें पकड़ कर क्या कर सकते हैं कृत्रिम जो छत्ते होते हैं उनके अंदर छोड़ सकते हैं और उनका कृत्रिम मधुमक्खी पालन किया जा सकता है ठीक है अब देखिए ये देखिए क्या बोल सकता है कृत्रिम मधुमक्खी पालन केंद्र से भी लाकर इनको पाला जा सकता है आप चाहे तो कृत्रिम मधुमक्खी पालन केंद्र से मधुमक्खियों को लाकर पाल सकते हैं रानी मक्खी एक लगभग साढ़े एक रानी मक्खी साढ़े तीन सौ रुपये की आती है अभी ठीक है अब देखिए कि इनके प्रवास के दिनों में एक कपड़े की टोपी के अंदर शहद लगा लगा देते हैं जब मधुमक्खियाँ आकर इसमें बैठती हैं तब तो उन्हें पकड़ करके त्रिम बक्सों में छोड़ सकते हैं अब आगे देखिए क्या दे रखा है रानी मधुमक्खी को प्रत्येक वर्ष बदलना पड़ता है क्योंकि रानी एक वर्ष की आयु होने के पश्चात दूसरे वर्ष में अंडे देना प्रारंभ करती है और ठीक है उसके बाद क्या हो जाती है एक वर्ष तक अंडे देती है उसके बाद ये अंडे देना बंद कर देती है अभी ठीक है अब रानी जब वृद्धि होगी अंडे देना बंद कर दिया तो क्या करते हैं आता है हमें पुरानी रानी को निकाल देना चाहिए छत्ते से और नई रानी को छत्ते में छोड़ना चाहिए ठीक है ना जिससे उन्होंने पुरानी रानी मक्खी निकाली है पर एक बात याद रखें भाई जो हम नई रानी मक्खी डाल रहे हैं उस छत्ते में उस रानी मक्खी के ऊपर क्या करना चाहिए पहले थोड़ा सा उस छत्ते का शहद लगा देना चाहिए जिस छत्ते में उसे अपने डाल रहे हैं ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि रानी जो श्रमिक मक्खियाँ हैं श्रमिक मक्खियाँ है, रानी मक्खी को अपने छत्ते की समझें उनको लगेगा भाई हाँ इसके शरीर पर हमारा शहद चिपक रहा है तो ये हमारे छत्ते की रानी मक्खी है वरना वो उसको स्वीकार नहीं करती ठीक है तो देखना आप आगे क्या दे रखा है अंतः पुरानी रानी मक्खी को छत्ते से निकाल कर नई रानी को उसी छत्ते का शहद लगाकर बक्से के शिशु खंड में छोड़ने पर रानी उसे स्वीकार कर लेती है वरना नहीं करती वरना उसको लगता है ये दूसरी रानी है ठीक है अब देखना देखें क्या है वातावरण में ऋतु के अनुसार पुष्पों की कमी दिखाई जब दे अपने को तो अपने को कृत्रिम भोजन दिया देना चाहिए जब भोजन की कमी हो ठीक है ना मतलब पुष्प वगैरह ना हो ऐसा मौसम हो भाई मान लीजिए पत्थर चढ़ाया जब कोई भी फसल नहीं हो रही तो उस समय अपने को कृत्रिम रूप से इनको भोजन देना चाहिए ठीक है ना कृत्रिम रूप से भोजन के रूप में क्या दिया जाता है मधुखियों को याद रखना चीनी और पानी दो भाग क्या अभी चीनी और एक भाग पानी का मिलाकर देना चाहिए ठीक है ना मतलब कोई भी चीज़ उसमें छियासठ परसेंट चीनी होनी चाहिए और तैंतीस परसेंट पानी होना चाहिए ठीक है ना आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं मधुमक्खियों को कृत्रिम भोजन के रूप में क्या देना देना चाहिए या तो शरबत देते हैं या चीनी और पानी का मिश्रण देते हैं ठीक है ना दो भाग चीनी एक भाग पानी याद रखेगा एवं बक्से एवं बक्से को श्रमिक मधुमक्खियों के छिद्र के अलावा बंद ही रखना चाहिए अन्यथा शायद एवं मोम खानों वाला कीट एवं पक्षी इसके छतों को नुकसान पहुंचा सकता है अब देखिए कृषि में मैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड वालों के लिए बच्चों के लिए ठीक है ना और जेट वगैरह में भी इससे क्वेश्चन आएगा मैं बता देता हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन आया था एक दो बार आए हुए हैं आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लेंगे बोर्ड वालों से तो मधुमक्खियों का कृषि में महत्व लिखिए चार नंबर का क्वेश्चन सीधा ही ठीक है अब हम देखते हैं कि कृषि में मधुमक्खियों का क्या महत्व होता है बहुत ज़्यादा महत्व होता है अभी कृषियों कृषि के अंदर मधुमक्खियों का अगर मधुमक्खियाँ ना हो तो हम हम हमारे जीवन की कल्पना नहीं कर सकते भाई क्यों अभी हम देखते हैं क्योंकि मधुमक्खियाँ परागण में मदद करती हैं और परागण के पश्चात ही बीज बन पाते हैं और उनको हम खा पाते हैं स्वर्णमयार्य है मेरी बात अगर मधुमक्खियाँ ना हो तो परागण नहीं होगा भाई लगभग अस्सी प्रतिशत प्रागण नहीं होगा स्वर्णमयार्य मेरी बात और हम भूखे ही मर जाएंगे तो अब देखना कृषि में महत्व देखिए मधुमक्खी के पश्चिम्श की टांगे अर्थात सबसे पिछली देखिए तीन टांगे तीन टांगे होती हैं जो सबसे आगे इस प्रकार से तीन टांगे होती हैं मधुमक्खी में मैं आपको बता देता हूँ एक जोड़ी दो जोड़ी तीन जोड़ी ठीक है इनको बोलते हैं अग्रवक्ष की टांगे इनको बोलते हैं मध्य वक्षीय टांगें और इनको बोलते हैं पश्चिम वक्षीय टांगें ठीक है तो ये बात कर रहा है पश्चिम वक्ष की टांगोगी तो पश्चिम वक्ष की टांगे होती है सबसे पिछली जोड़ी ठीक है तो मधुमक्खी के पश्चिम वक्ष की टांगे अर्थात सबसे पिछली टांगे रोएदार बालों से ढकी रहती हैं जो ब्रश की तरह कार्य करते हैं वे पोलन थैली बनाते हैं मैंने आपको बताया था पोलन बास्केट या पराग थैली बनाते हैं सबसे पिछली जोड़ी जो जोड़ी जो जो टांगे होते हैं उन पर जो बाल होते हैं वो क्या करते हैं पोलन बास्केट बनाते हैं अब देखना जब क्या होते हैं मधुमक्खी किसी पुष्प की स्त्री केसर की नली से मधु प्राप्त करने करती है तो उस पुष्प के प्रांगण इसकी पिछली टांगों के बालों में इकट्ठे हो जाते हैं मतलब क्या है ये क्या कह रहा है मैं बता देता तो हूँ आपको मान लीजिए ये कोई इस प्रकार से फूल है एक सेकंड मैं बना देता हूँ ये मान लीजिए इस प्रकार से कोई फूल है ठीक है ये मधुमक्खी कोई क्या कर रही है यहाँ से एक सेकंड बीच में छोटी सी मधुमक्खी बनानी पड़ेगी ये मान लीजिए इस प्रकार से फूल है कोई ये मान लीजिए इस प्रकार से कोई फूल है ठीक है मान लीजिए रानी ये जो मधुमक्खी है इसके अंदर क्या कर रही है भोजन प्राप्त कर रही है ये मधुमक्खी है ये मधुमक्खी की सबसे पिछली टांगे हैं ठीक है तो ये मधुमक्खी है मान लीजिए ठीक है तो जो प्रागण होते हैं इसकी पिछली टांगों पर चिपक जाते हैं ठीक है चिपक जाएंगे जब ये मधु चूस रही होती है अब ये मक्खी जब उड़कर दूसरे पुष्प और जाती है उड़कर जब ये दूसरे पुष्प और जाती है तो इस मधुमक्खी के साथ प्रागण भी चले गए ठीक है ना अब ये जब दूसरे पुष्प और जाएगी तो ये प्रागण क्या होते हैं उस दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं जिससे परागण हो जाता है ठीक है ना तो परागण में मदद करती हैं अभी सबसे ज़रूरी काम इनका यही है कि मधुमक्खियाँ परागण में मदद करती हैं ठीक है तो देखिए यही बात लिखी हुई है यहाँ पे कि ये देखिए अब पढ़े अब आपको सोन में आ जाएगी जब मधुमक्खिया किसी पुष्प की स्त्री केसर की नली पर मधु प्राप्त करने बैठती हैं तो उस पुष्प के परागकण इसकी पिछली टांगों के बालों पर इकट्ठे हो जाते हैं एवं जब ये दूसरे पुष्प पर जाती हैं तो उस पुष्प पर स्थानांतरित तो होते हैं इस प्रकार परागण की क्रिया के पश्चात बीज बनना संभव होता है अगर परागण ना हो तो बीज नहीं होगा इस प्रकार परागण करती हैं मधुमक्खिया जिससे बीज बनते हैं इस प्रकार से समस्त पृथ्वी जगत के फल वृक्षों, पुष्पी पादपों सब्जियों एवं खदानों फसलों की प्रागण क्रिया में 80 परसेंट की हिस्सेदारी मधुमक्खियों की होती है मैंने बताया था 80 परसेंट प्रागण करती हैं वही मधुमक्खियाँ ठीक है कई प्रकार के पौधों की बनावटी देखो कई प्रकार के पौधों की बनावटी ऐसी होती है कि उनमें परागण सिर्फ मधुमक्खियों से हो सकता है उसके अलावा कोई और परागण कर ही नहीं सकता ठीक है तो ये प्रागण में मदद करती हैं ठीक है अब लास्ट जो हमारा रह गया कि इनका काम क्या होता है दूसरा देखिए दूसरा ये संकर बीज के निर्माण में मदद करती हैं हैं किसमें निर्माण निर्माण करती करती संकर बीज के में मदद हैं तो देखते हैं अपने आगे देखो परागण क्रिया के अतिरिक्त मधुमक्खियों का एक से एक लाभ होता है यदि पुष्प एक ही जाति के अलग अलग उन्नत किस्मों के होते हैं मतलब एक ही जाति के अलग अलग किस्मों के क्या होते हैं पुष्प होते हैं तो परागण की क्रिया के साथ साथ संकरण भी हो जाता है अभी और संकरण के बाद संकर बीज बनते हैं और ये संकर बीज जो होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा मतलब ये क्या होते हैं बेहतर होते हैं ये बहुत बढ़िया होते हैं अपने पैतृक पादपों से सवन में आ रही है मेरी बात यह अपने क्या होते हैं मात्र बीजों से उन्नत किस्म का होता है इस प्रकार मधुमक्खियाँ नए बीज नए उन्नत बीज भी प्राकृतिक रूप से प्रदान करवाती हैं संक्षेप में कहा जाए तो पृथ्वी के जंतु जगत कि भोजन की उपलब्धता के साथ साथ यह उनको शहद और मोम भी उपलब्ध करवाती है भोजन तो उपलब्ध करवा ही नहीं है इसके साथ शहद और मोम भी उपलब्ध करवाती है तो ये बच्चों आपका चैप्टर चे, था मधुमक्खी पालन और इसका कृषि में महत्व तो जो हमारा हमने आज की वीडियो में कंप्लीट कर लिया उम्मीद है आपको इसमें सारी चीज़ें समझ में आ गई अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता बता सकते हैं ठीक है ना यह आप मेरा नंबर है मैं नंबर है मेरा सेवन थ्री फाइव सेवन वन जीरो सेवन वन फोर सेवन इस पर आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं ठीक है मुझे बड़ी खुशी होगी आपके सवालों का जवाब देते हुए ठीक है अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर जल्दी से देख लेते हैं अपने तो देखिए क्वेश्चन आंसर है देखते हैं ये तो आप कर ही लेंगे भाई मैं आपको ये बता देता हूँ देखिए रानी बनने के लिए कौन सी जेली खिलाई जाती है रॉयल जेली खिलाई जाती है अभी श्रमिक मधुमक्खियों की पिछली टांगे कैसी होती है अभी रोएँ होती है रानी मधुमक्खी अपने डंक का इस्तेमाल प्रतिद्वंदी को मारने के लिए करती है एक बार मैथुनी की उड़ान भरती है शुक्रधानी में गथित करती है शुक्राणुओं को वेगल नृत्य द्वारा देती है अभी सूचना ठीक है शहद छत्ते के कौन से भाग में पाया जाता है शहद जो होता है छत्ते के ऊपरी भाग में पाया जाता है या शहद खंड में पाया जाता है मधुमक्खियों को कृत्रिम भोजन किस प्रकार का दिया जाना चाहिए अभी चीनी और पानी का मिश्रण दो भाग चीनी एक भाग पानी ठीक है तो इस प्रकार से आप सारे के सारे क्या कर सकते हैं क्वेश्चनों के आंसर कर सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं ठीक है तो फ्रेंड्स अगर आप कोई वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना ना भूलें ठीक है ना वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सोचिए मत फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें ठीक है तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक चैप्टर के साथ जिसमें हम पूरा का पूरा चैप्टर कम्प्लीट कर लेंगे ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय